रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठाने वाले से मेरा ये अपील है कि आप ये एकदम भूल जाइए कि विश्व कप 2023 में इंडियन ओडीआई टीम का एक दिवसीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा के अलावा और कोई प्लेयर होने वाला है। सबसे पहले आप रोहित शर्मा के फॉर्म पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी फॉर्म में कोई खराबी नहीं है। एज ए कप्तान रोहित शर्मा को रिप्लेस करने वाला इंडिया टीम में अभी वर्तमान में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो रोहित शर्मा को विश्व कप 2023 के लिए रिप्लेस कर सके एज ए कैप्टन के रूप में। भारतीय टीम का कप्तान के लिए रोहित शर्मा के अलावा अभी आप देख सकते हैं इंडियन टीम में कौन से विकल्प हैं। आप विराट कोहली के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भारतीय टीम के लिए 5 साल तक कप्तानी की, अपनी कप्तानी में 1 साल वनडे विश्व कप खेला, क्या उन्होंने कहां तक पहुंचाया? इंडिया टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। आप कहते हैं कि धोनी जैसा कप्तान मानते हैं कि नहीं हो सकता है, लेकिन वर्तमान देखना होगा कि धोनी के अलावा हमें आगे भी तो देखना है। आगे हमें ये देखना है कि धोनी सारा दिन नहीं खेल सकते थे, उन्होंने जब तक खेली कप्तानी की। एज ए टीम के रूप में अभी आपका सबसे सीनियर सदस्य मोस्ट में अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा जिनके पास एक दिवसीय फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट तीनों में खेलने का अनुभव है। अनुभव के साथ साथ कप्तानी में जिन्होंने कि अपनी कप्तानी में आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस को 5 बार ट्रॉफी जिताई है। क्या विराट कोहली इतना साल से आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी ट्रॉफी दिलवाई? नहीं दिलवाई। तो कप्तानी का विकल्प आपको सिर्फ फॉर्म नहीं, फॉर्म के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखना पड़ता है। फॉर्म आप कप्तानी में कह सकते हैं कि एज ए बल्लेबाज रोहित शर्मा फेल हो रहे हैं, फेल नहीं हो रहे, ठीक है, फेल तो सारे बल्लेबाज हो रहे हैं जिन्होंने कि इतना सारा मैच खेले हैं, लेकिन क्या हर मैच में सेंचुरी लगाना पॉसिबल है? सेंचुरी के अलावा और भी चीज है जो कि आपको देखना पड़ेगा कि उनके टीम में रहते हुए इस साल देखिए मुंबई इंडियंस जो कि पिछले साल नंबर 10 पर रही थी, इस साल रोहित शर्मा के कप्तानी के बदौलत तीसरा स्थान पर फिनिश किया है। तो मुझे तो कभी नहीं लगता है कि 2023 के लिए मुंबई इंडियंस, 2023 के लिए भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा के अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है। हाँ, इतना सारा कप्तान है, आप कह सकते हैं कि विराट कोहली है टीम में, उन्हें दोबारा कप्तानी सौंप दी जाए, नहीं ऐसा नहीं है। रोहित शर्मा को एक चांस दिया जाए, इन्होंने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रहा सवाल वर्ल्ड कप, तो 2011 के बाद मैंने अभी तक भारतीय टीम अभी तक कोई विश्व कप नहीं जीती। हाँ, सेमीफाइनल में जरूर 2 बार पहुंची है। तो 2023 में मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा के अलावा और कोई बल्लेबाज या गेंदबाज में तो आपका अभी कोई बुमराह चोटिल है, उसके अलावा सीनियर मोस्ट गेंदबाज अभी कोई वैसा नजर नहीं आ रहा है। हाँ, विकेट कीपर में अभी आपका कौन विकेट कीपर वर्ल्ड कप के लिए फिट है, कौन खेलेगा? ईशान किशन रन नहीं आ रहे बल्ले से, केएल राहुल के बल्ले से उतना रन नहीं आ रहे हैं, ऋषभ पंत चोटिल है, एज ए विकेट कीपर अभी कौन खेलेगा ये ही आपका तय नहीं है। तो कप्तानी में मेरे हिसाब से रोहित शर्मा के अलावा अभी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अभी ये सब पर दिमाग लगाना बंद कर दिए, चुपचाप 2023 का जो वर्ल्ड कप है तब तक इंतजार करते हैं कि भारतीय टीम कैसा परफॉर्मेंस करती है, उसके बाद। हाँ, ये नहीं कहते कि रोहित शर्मा सब दिन कप्तान रहेगा, उनको भी उम्र के साथ साथ एक दिन रिटायर होना है, रिटायरमेंट लेना है। तो 2023 के लिए रोहित शर्मा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। धन्यवाद।